रहा हूँ वेलकम बैक प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम कैसे अपना जो हमारा कोई भी बटन है जस्ट लाइक के हमारे पास अगर तो ये एक बटन है मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इनपुट फील्ड फॉर्म आ जाए बस इससे ज़्यादा हम ब... आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब मैं एडिट बटन को क्लिक करूँ तो एडिट की जगह पे आ जाए सेव फर्स्ट थिंग और सेकेंड थिंग जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँ क्या ये इनपुट फील्ड वापस जाए और इसकी जगह पे क्या आ जाए इसकी जगह right. तो हाँ, जाएंगे स्टेप, स्टेप हाँ, आगे वो करेंगे अब और ये चीज फिर करंट मैं आपको इसलिए वीडियो में क्या करना है इसलिए मैं पहले बता देता जो भी उस वीडियो अगर आपको समझ आ जाए कि वीडियो में क्या करना है तो आप एक टेंगे अगर आपसे ना हो फिर आप वीडियो को देखें क्योंकि तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं कि आप वीडियो देखें पर्पज़ ये कि आपको कुछ आए सो so, हम इसको अब चेंज करेंगे हम वी एस कोड में आते हैं और वी एस कोड में हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी एडिट का बटन हमारा दबाया जाए तो एडिट की जगह पे सेव आए उसके लिए हम सबसे पहले इस सॉलिड एडिट को यहाँ से रिमूव करेंगे मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया और इसके लिए हमारे पास अब दो बेस है फर्स्ट वे ये है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट कर लें जिस कि यहाँ पे प्लेयर नेम था आप प्लेयर नेम की जगह पे एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं और right. आप बाई डिफॉल्ट देते हैं जिस के वैल्यू देते हैं एडिट की आप कहते हैं कि बाई डिफॉल्ट तो हमारा बटन जो है वो एडिट होगा लेकिन इन के हमारा जो इस एडिटिंग है उसके अंदर जो हमारा तो बटन, बटन कैप्शन ये से, thing, इस तरह कर लें ले, और यहाँ पे आप सिंपल क्या दे दे यहां पे आप देख दे? कैप्शन सेव करते हैं देखते हैं तो अब यहाँ पे सेव आ रहे हैं यहाँ पे एडिट आ रहे जिसमें यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको बतानी थी वो ये थी कि आप देखें कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरा इस ये वाला बटन चेंज नहीं हो रहा हालांकि हमारे यहाँ पे हम एक ही कंपोनेंट से दोनों को हैंडल कर रहे हैं तो ये यह रिएक्ट है वो जो कंपोनेंट है उसको जहाँ पे क्लिक होता है उसके हिसाब से फर्क करता है उसको दूसरे को फुल आइसोलेट करके उस पर काम करता है ये नहीं करता कि जहाँ जहाँ पे वो बटन हर जगह पे वो चेंज ले आए हर जगह पे नहीं लेके आएगा जिस स्पेसिफिक जगह पे आप काम करेंगे उस जगह पर लेके आएगा और इसलिए तो हमें एडिट और सेव वाली प्रॉब्लम हमारी तो लेकिन इसको सोल्व करने का एक और तरीका भी है और वो तरीका ये है कि हम ये इतना फ्लैक्स क्यों लेके जा रहे हैं भाई इतना क्यों लिख रहे हैं हम लेट बटन लेट ये हम सिंपल यहाँ पे एक से एक हमारे पास सैरी और है करते हैं हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर तो हमारे पास इस एडिटिंग जो वो ट्रू है या वो फॉल्स है हम यहाँ पे अपने टर्सनरी ऑपरेटर कभी तो कि इस एडिटिंग अगर तो ट्रू है तो यहाँ पे आ जाए सेव अदरवाइज यहाँ पे आ जाए फॉस देखें कोड वही है लेकिन देखे, आपने टर्चनी ऑपरेटर को यूज़ किया कोड सिंपल हुआ और अब अब देखें वही चीज़ हो रही है अच्छा यहाँ पे हमने एडिट करना है उसको हमने वहाँ पे फॉल्स लिख दिया है हम इसको एडिट करके यहाँ पे हम इसको हमने करना है हम एडिट ऑडिट अब छः देखी चीज़ हमने देखी हमने कहा हमारे पास प्लेस होल्डर में एक वैल्यू बाय हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे जो नेम आ रहा है अपने तो प्लेयर वन के अगर बटन पे क्लिक करें तो प्लेयर वन का नेम आ, आ रहा होगा प्लेयर वन लिखा आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट और तभी यहाँ पे ये यह नेम आ रहा है जो तो तो यहाँ पे यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो यहाँ पे इनपुट के अंदर वैल्यू के अंदर आ जाएगी और फिर हम इसको सेव करवाएंगे लेकिन आज की वीडियो का ये हमारे पास टास्क अभी हमने सिंपल वैल्यू लिख दी ठीक अब हम आते हैं अपने थर्ड टास्क के जो कि आज की वीडियो का है जैसे ही हम दोबारा बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास वापस पैन शो होने लग चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे क्या तो हैं हम हैंडल एडिट पर और यहाँ पे हम इसे हमारा ट्रू है अभी तो हमने बाई डिफॉल्ट इसको ट्रू दे दिया कि हमें बताया कि बाई डिफॉल्ट हमारा फॉल्स होगा और यहाँ पे ट्रू आ लेकिन अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं बड़े मजे का हम यहाँ पे करते हैं इस एडिटिंग मैं यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ उतना तो ट्वेंटी डी मैं कहता हूँ अगर तो मेरा इस एडिटिंग क्या है इस एडिटिंग है ट्रू अगर तो इस एडिटिंग है ट्रू तो यहाँ पे वो क्या कर देगा इसको फॉल्स दे देगा कि अगर तो ट्रू है तो वो ट्रू सेट इस एडिटिंग की जगह पे ट्रू फॉल्स रखवा देगा कि अगर तो फॉल्स है तो वो फिर ट्रू रिखवा देगा और अब अगर हम इससे आए एडिट पे क्लिक किया अब हमारा इस अच्छा ये देखिए वैल्यू की वजह से प्लेयर वन आ गया अब जैसे ही इस एडिटिंग हमारा हुआ ट्रू तो यहाँ पे सेफ पे क्लिक करूँगा ये कितना इजी था और मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप लेके चलाऊँ अच्छा अब यहाँ पे एक तो ट्रेंस ऑपरेटर को अपने यूज़ किया हम इसको ट्रेंस थ्री की जगह पे हम सिंपल करते हैं भाई नॉट ऑपरेटर लगाते हैं नॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है अगर सब ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा हम देखें ना अब यहाँ पर बर्ड फोर्ट फॉल्स है तो वो इसके अंदर ट्रू रखवा देगा अब यहाँ पर बायोडाट हमने क्लिक किया और वो ट्रू हो गया तो वो इसको फास्ट रखवा देगा सेव करके चेक कर लेते हैं एडिट एडिट और आने वाली वीडियो में हम फर्दर आगे मूव करेंगे अभी के लिए इतना ही कम अगर नहीं सुल जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं